माय चैनल। सो आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही शायद छोटा होने वाला है या फिर बहुत बड़ा हो सकता है। मैं शायद ये ब्लॉग कल तक कंटिन्यू करूं, कल संडे है, कल शायद मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती हूं, कहीं घूमने जा सकती हूं, तो वो भी मैं इसी ब्लॉग में ही एक साथ एड ऑन करके अपडेट करूंगी। सो आज सैटरडे है, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। मेरा कोई प्लान नहीं है, कुछ खास प्लान नहीं है। अभी मैं जाने वाली हूँ फ्रेश होके, थोड़ा मुझे काम है बाहर तो मैं वो करने जा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। सो वो मैं आज आपको दिखाती हूँ, शूट करती हूँ। सो ठीक है, पहले मैं रेडी होती हूँ फ्रेश होके, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो टाटा। सो फाइनली अपना काम खत्म करने के एक घंटे के बाद मैं पहुंच गई थी, वहीं पास में नई सड़क है जहाँ पे मार्केट लगता है, जिसे दाल मंडी मार्केट कहते हैं, वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ मैं पहले कभी गई नहीं थी क्योंकि बहुत रश होता था, अकेले जाने का मेरा कभी मन नहीं था। मैंने सोचा चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ बहुत सारे कपड़े आइटम जो होते हैं वो मिलते, सूट पीस के कपड़े या ऐसे नॉर्मल जो आप कपड़े लेते हैं वो मिलते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है होल सेल में, मिलती है रेडीमेड भी मिलती है, मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बैग्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। सो मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया मार्केट को, बहुत रश था इसलिए मैं वहाँ से निकल गई और पहुँच गई दीना चाट भंडार, जो कि बनारस का सबसे पुराना चाट कॉर्नर है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा यमी यमी से चाट मिलते हैं, चूड़ा मटर मिलता है, कचौड़ियाँ मिलती, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। रश बहुत था वहाँ भी, इसलिए मैंने वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ दही बताशे लिए, जो कि बहुत अमेजिंग था। आज मेरे पास बहुत टाइम था इसलिए मैं अब थोड़ा सा निकल गई हूँ घूमने के लिए। मैं आ गई हूँ अभी गदौलिया साइड पे और मैं जा रही हूँ सहस्त्रनदी घाट के साइड। और फिर मैं पहुंच के गदौलिया मार्केट से आगे बैठ के दशाश्वमेध घाट। सो ये विश्वनाथ मंदिर का गेट है, यहाँ से ही मैं जितनी बार भी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने गई हूँ इसी गेट से गई हूँ। ये पुराना वाला गेट है, अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, पूरा बन चुका है, तो अब तो बहुत ही अच्छे अच्छे गेट बन चुके हैं। सो गाइस कोई प्लान नहीं था, पर विश्वनाथ टेम्पल देख के मुझे लगा कि ठीक है, क्यों ना और भी जो मंदिर है बनारस में वो एक्सप्लोर की जाए, थोड़ा वो दिखाया जाए आपको। तो मैं आ गई थी दुर्गा कुंड, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, तो मैंने सोचा चलो वो दिखाया जाए। तो ये जो जहाँ मैं अभी आई हूँ ये है कृष्ण मंदिर।
सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ त्रिदेव मंदिर जो कि दुर्गा कुंड में है। अभी मैं यहाँ से दुर्गा कुंड मंदिर भी जाऊंगी, जो दुर्गा मंदिर है यहाँ पे वो बहुत ही फेमस है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे राम मंदिर जाऊंगी। सो मैं अभी फिलहाल पहुंची हूँ त्रिदेव मंदिर। ये मंदिर मुझे बहुत पसंद है, जब मैं पहली बार आई थी बनारस में और जब मैं घूमना स्टार्ट की थी मुझे ये मंदिर बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जूम करके पहले दिखाती हूँ फिर अंदर चल के दिखाती हूँ। तो मैं जब यहाँ आई थी यहाँ भजन चल रहा था कृष्ण जी का, और वो इतना अच्छा था, मैं जब यहाँ से मेन रोड से क्रॉस किया करती थी तो मैं अपनी स्कूटी रोक के हमेशा सुना करती थी। और मैं आज तो वैसे भजन हो नहीं रहा है, मैं पता करूँगी कब होता है, मैं आऊँगी। यहाँ कृष्ण जी का भजन हुआ करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मेन जो ये मंदिर है ये मारवाड़ियों का मंदिर है, और जब यहाँ पे ये भजन वजन होता है, मैं एक बार आ चुकी हूँ, तो जो मारवाड़ी लोग होते हैं वो सब यहाँ पे मेन इकट्ठा होते हैं और भजन वजन करते, कुछ उनका प्रोग्राम होता है, मैं पता करती हूँ वैसे कि वो कब होता है यहाँ पे। राम जी की मंदिर पहुंच चुकी हूँ, ये कृष्ण मंदिर के जस्ट बगल में है। सो नाउ लेट्स गो, इसके सामने जलांश है, आई डोंट नो क्लियर है अभी ये जलांश, लेट मी शो यू। फाइनली आई हैव एंटर्ड श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, वहां से आई हूँ। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है, ये 1964 में बना था, श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने इस मंदिर को बनाया था। ये पूरे चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, वॉल पे श्री रामचरित मानस लिखा हुआ है।
ऊपर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से भी व्यू कितना प्यारा है। इस मंदिर के पूरे वॉल पे रामायण के सातों कांड को लिखा गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराकांड, ये सातों कांड जो इस पूरे वॉल पे मेंशन किए गए हैं। अब मैं पहुंच चुकी हूँ दुर्गा कुंड मंदिर, जो कि राम मंदिर के जस्ट ऑपोजिट में ही है, जो चौक के पास में ही है। ये दुर्गा कुंड मंदिर जो है 18th century में बनाया गया था, वो भी बंगाली महारानी ने इसे बनवाया था। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, 1772 में ये मंदिर बनवाया गया था। और ये जो मंदिर है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप के नदी के मतलब तालाब या टैंक के पास बना गया, लोकेट किया गया, इसीलिए इसे दुर्गा कुंड मंदिर। और ये जो दुर्गा माता, ये तब से मतलब जो दुर्गा माता का ये जो मूर्ति है, ये तब से ही है। सो गाइस, कल मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था रात में आने पे, और फिर मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया। सो नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी 4:20 हो रहा है,
और मैंने मॉर्निंग से कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे सुबह उठने के बाद से, इसलिए सो मैं भी आई हूँ बाहर कुछ खाने के लिए। शाम में मुझे कॉफ़ी पीना था, अगर कॉफ़ी मिलती है तो मैं वो पीऊँगी, अदरवाइज फिर मैं कुछ खाती हूँ। सो ठीक है, तो ये ब्लॉग मैं आज का यही एंड करती हूँ। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करिएगा प्लीज़।